भाजपा की जिला बैठक संपन्न, धौलपुर की प्रमुख खबर। आज जिला कार्यालय भारतीय जनता पार्टी धौलपुर पर जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें संभाग प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादिश, जिला प्रभारी जवाहर सिंह बैढ़म एवं जिला सह प्रभारी लोकेश चतुर्वेदी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। कार्यक्रम की शुरुआत जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धौलपुर जिले के व्रत को रखा, पूर्व विधायक एवं महामंत्री सुखराम कोहली राजनीतिक प्रस्ताव रखा। राजनीतिक प्रस्ताव का समर्थन जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, प्रशांत परमार, विशंबर दयाल शर्मा, पूर्व विधायक बसेड़ी रानी कोहली द्वारा किया। जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने सभी की सहमति से उपस्थित कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों के दोनों हाथ उठाकर प्रस्ताव का समर्थन करवाया। जिला सह प्रभारी लोकेश चतुर्वेदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा 260 आमजन को लाभान्वित करने वाली योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिला प्रभारी जवाहर सिंह बैढ़म एवं संभाग प्रभारी मुकेश दादिच ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने किया एवं कार्यक्रम संयोजक हरिनिवास प्रधान ने सभी का धन्यवाद दिया। कार्य समिति बैठक में प्रमुख रूप से कमल पहाड़िया, सुरेश कौशिक, राजीव रस्तोगी, बाड़ी विधानसभा प्रभारी प्रशांत सिंह परमार, सह प्रभारी जयवीर पोसवाल, धौलपुर विधानसभा सह प्रभारी विजय त्यागी, राजाखेड़ा विधानसभा प्रभारी डॉक्टर मनोज शर्मा, हरिनिवास प्रधान, विष्णु सिंघल, उप प्रधान सैपौ दुष्यंत सिंह बघेल, पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिडौरा, पूर्व प्रधान पूरन सिंह, नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा भूपेंद्र घुरैया, दिनेश बगथरिया, जिला महामंत्री सत्येंद्र पाराशर, जिला मंत्री विनय परमार, जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, कार्यालय मंत्री नंद किशोर शुक्ला, कार्यालय प्रभारी ब्रजमोहन शर्मा, रश्मि सक्सेना, प्रीति गुप्ता, छाया शर्मा सहित जिले के समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। मोदी सरकार ने जो देश भर में कई फैसले किए, आदरणीय लोकेश जी ने सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला, लेकिन मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, ऐसा प्रधानमंत्री जिसने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जिन निर्णयों को देश भर में प्रतिपादित किया, वो निर्णय जनता के बीच में हमको ले जाकर बार बार याद दिलाने के उनको याद दिलाना पड़ेगा। आप हमको उनको याद दिलाइए कि 2 साल पहले जब घर से बाहर आप निकलते थे, बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पर पहुंचते थे, तो वहां अनाउंसमेंट होता था, किसी भी पराई चीज को मत छुइए, आपके बगल बगल में कोई बैग रखा तो उसको मत छुइए, ध्यान रखिए, आपके बगल में कोई ना उसका ध्यान रखिए, आपके बगल में कोई बम। राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से जो खाका राजस्थान में जो वर्तमान कांग्रेस की सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही है, उस पर जब पूरा चित्रण किया गया था तो पूरा ढोल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और सबने एक साथ संकल्प लिया कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम सभी नेता और कार्यकर्ता गठजोड़ होकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर जनता को राहत देने का काम करेंगे। मेरे दिमाग में एक दो प्रश्न है, उनके उत्तर आप दे नहीं सकते। आप सभी कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता कौन कौन है जो अपने स्वयं के किए गए काम से संतुष्ट नहीं, वो हाथ खड़ा करते हैं। सब संतुष्ट ताली बजाओ। ऐसे कौन कौन से कार्यकर्ता और आप सभी ने उसका समर्थन दिया, सुझाव दिया और मेरा सभागार में बैठे सभी कार्यकर्ता मंडलों से, पदाधिकारी मंडलों से ये आग्रह है कि अगर आपके ध्यान में भी कोई ऐसा सुझाव आया जो हम इस राजनीतिक प्रस्ताव में जोड़ सकते हैं और उससे हमें अपने आंदोलनों में और संगठन के काम करने में
आगे सुचारू रूप से सहायता मिलेगी। तो ऐसे भी कोई सुझाव आपके ध्यान में आते हो तो आप लिखकर और हमें क्या कह रहे थे, कोई भी सुझाव आपके ध्यान में ऐसा आ रहा हो जो मंडल स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, बूथ स्तर पर और जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने में और हमारे आंदोलन को गति देने में आपके ध्यान में कोई भी सुझाव आए तो वो लिखित रूप से जिला कार्यालय में जमा करा दें।